आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, समय आ गया है देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। लेखक सचिव खान की राय, अयोध्या की 5 एकड़ जमीन पर कॉलेज बनाया जाए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सवाल, विवादित ढांचा तोड़ने वालों को मिल पाएगी सजा। मंत्री के रिश्तेदारों ने अफसर से की अभद्रता, मंत्री के रिश्तेदारों को बचाने के लिए कांग्रेसी हुए लामबंद, आज से की मुलाकात। और कश्मीर में शहीद हुए जवान अखिलेश पटेल का रीवा में हुआ अंतिम संस्कार, सभी ने नम आंखों से दी विदाई। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समान नागरिक संहिता पर लंबित फैसले का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इससे सर्वधर्म समभाव की भावना मजबूत होगी और लोगों के बीच संबंध बेहतर होंगे। मेरी अपील है कि शांति बनाए रखनी चाहिए। फैसले को किसी की जीत या हार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। पत्रकारों के सवाल के जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि समय आ गया है जब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। सभी से मैं यह अपील करना चाहूंगा कि इस अवसर पर शांति व्यवस्था बनाकर रखें और इस फैसले को किसी की हार अथवा जीत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय UCC को लागू करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ 15 नवंबर को मामले की सुनवाई करेगी। UCC से लागू होने के बाद किसी नागरिक के व्यक्तिगत मामलों को उनके धर्म से इतर नियंत्रित करने के लिए कानून होंगे। मई में अदालत ने केंद्र सरकार और विधि आयोग से कहा था कि वे UCC लागू करने के संबंध में जनहित याचिका पर अपना हलफनामा दायर करें। बॉलीवुड के 3 सितारों सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान के पिता व 83 वर्षीय प्रतिष्ठित स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुस्लिमों को मिली वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन पर कॉलेज बनाया जाना चाहिए। प्रख्यात लेखक सलीम खान ने कहा कि देश के मुस्लिमों को स्कूल की जरूरत है, न कि मस्जिद की। सलीम खान ने कहा कि पैगंबर द्वारा बताए गए इस्लाम के 2 गुण प्रेम और क्षमा है। अयोध्या विवाद के अंत के बाद मुस्लिमों को इन 2 गुणों का पालन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, फिर से पीछे नहीं मुड़े, यही से आगे बढ़ते हैं। सलीम खान ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील फैसले की घोषणा के बाद जिस तरह से शांति और सद्भाव कायम रखा जा रहा है वह सराहनीय है, मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, इसके बजाय उन्हें अपनी बुनियादी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए और समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। मैं यह क्यों कह रहा हूं कि हमें स्कूलों और अस्पतालों की आवश्यकता है? मैं यह सुझाव क्यों दे रहा हूं कि मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में मिली 5 एकड़ की जमीन का इस्तेमाल स्कूल कॉलेज बनाने के लिए करना चाहिए। हमें मस्जिद की जरूरत नहीं है। नमाज तो हम कहीं भी पढ़ लेंगे, ट्रेन में, प्लेन में, जमीन पर, मगर हमें बेहतर स्कूलों की जरूरत है। अगर 22 करोड़ मुसलमानों को तालीम अच्छी मिलेगी तो इस देश की बहुत सी कमियां खत्म हो जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अयोध्या मामले में फैसला आने पर ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराने को कानूनी तौर पर गलत ठहराया है, तो क्या दोषियों को सजा मिलेगी? सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट का समर्थन करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए। सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि संविधान सबके लिए एक है, मैं भी बाबरी मस्जिद गिराने वालों पर कार्रवाई की मांग करता हूं। संविधान सबके लिए एक है, मस्जिद तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं था।
यह एक आपराधिक कृत्य है। दिग्विजय का बयान कानून के सिद्धांतों पर दिया गया है। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, साथ ही यह भी कहा कि मस्जिद गिराने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने का सवाल पूरी तरह नियमों के तहत कानून के तहत है। किसी भी व्यक्ति को भारत के संविधान में दिए गए अधिकारों से अलग कोई अधिकार नहीं दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में चर्चा के दौरान इसमें जिक्र किया है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं दिया जा सकता। वो एक गलत कार्य था और आपराधिक कृत्य है। तो दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है वो केवल सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए निर्देश पर और कानून के सिद्धांत पर कहा है। गोविंद सिंह ने कहा कि राजनीति करने वाले लोग हर प्रदेश में झगड़ा और ढोंग करते हैं। 1992 में जो ढांचा गिरा था उसके बाद यह सब सामने आए थे। लूटपाट की घटनाएं हुई थी, लेकिन कोई कितने भी बड़े दल का नेता हो ऐसी घटना पर छोड़ा नहीं जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के सत्र को लेकर दिए गए बयान पर गोविंद सिंह ने कहा कि विधानसभा सत्र लंबा हो इसके मैं पक्ष में हूँ, अगला सत्र लंबा रखा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कई नेता हैं। कांग्रेस के पास अनुभवी नेताओं का भंडार है, इसलिए कोई भी दावेदारी पेश कर सकता है। मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए कई वरिष्ठ नेता हैं। हर नेता अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। पार्टी का सौभाग्य है कि इस पार्टी के पास इतने वरिष्ठ और अनुभवी नेता मौजूद हैं। बाकी अध्यक्ष वही बनेगा जो पार्टी हाईकमान चाहेगा। बृजेंद्र सिंह ने शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 15 साल में शराब को बंद नहीं किया, लगातार बिचौलियों को बढ़ावा दिया। आज सरकार पूरे काम को व्यवस्थित कर रही है तो शिवराज के पेट में दर्द हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा अनुभवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, काम करने लायक हैं, तो इस पे कोई दोष तो नहीं है। संयोग से कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें अनुभवी लोगों की कमी नहीं। दावेदारी एक और बढ़ गया। नहीं, दावेदार एक का सवाल नहीं है, दावेदार तो और भी 10 हो सकते हैं। दावेदारी प्रस्तुत करना अलग बात है और सही विचार करके सबकी सलाह लेके और हाईकमांड को फैसला लेना एक अलग बात है। जो भी हाईकमांड का फैसला सर्वसम्मति से होगा उसको सारे दावेदार स्वीकार करेंगे, ये सब ने अपनी अपनी जगह कहा भी है। लेकिन ये बात सत्य है कि कांग्रेस के अंदर काफ़ी वरिष्ठ और अनुभवी लोग हैं, एक नहीं अनेकों हैं। मिंटो हॉल में 4 दिन से लगातार विश्व रंग का भव्य कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ। इस आयोजन के दौरान पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी के देश विदेश से आए साहित्यकारों का सम्मान किया गया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इस कार्यक्रम में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की सेवा प्रचार प्रसार के लिए पूरे विश्व में कार्य कर रहे अप्रवासी भारतीय साहित्यकारों का सम्मान भी किया गया। शहर के मिंटो हॉल में चल रहे विश्व रंग कार्यक्रम के दौरान शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस मौके पर शहर की रिपब्लिक रिलेशन सोसाइटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की सेवा और प्रचार प्रसार के लिए पूरे विश्व में कार्य कर रहे अप्रवासी भारतीय साहित्यकारों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर अपने उद्बोधन में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पिछले 4 दिनों में विश्व रंग का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आज वेबसाइट का लोकार्पण तथा सम्मानित हुए सभी साहित्यकारों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि विश्व रंग के इस आयोजन ने पूरी दुनिया को भोपाल में इकट्ठा कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज यह हिंदी साहित्यकारों का सम्मान हो रहा है। जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है तो अपनी संस्कृति को भी लेकर जाता है। आज प्रवासी भारतीय साहित्यकारों ने विदेशों में अपनी संस्कृति की छाप छोड़ी है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। इस समारोह में मुख्य अतिथि मंत्री पीसी शर्मा और बृजेंद्र सिंह राठौर, प्रसिद्ध लेखक एवं चिंतक रघु ठाकुर, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक प्रोफेसर राम राजेश मिश्र एवं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के चांसलर संतोष चौबे थे। ये एक अनूठा टाइप का कार्यक्रम है। विदेशों में जो हिंदी का लेखन कर रहे हैं
लेख लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, उनका सम्मान सोसाइटी ने किया है, वो बधाई के पात्र है। और जिनका भी साहित्यकारों का सम्मान हुआ है उन सबको बधाई। सम्मान समारोह में सम्मानित होने वाले विद्वानों में तेजेंद्र शर्मा, दिव्या माथुर, ललित मोहन जोशी, उषा राजे सक्सेना, डॉक्टर वंदना मुकेश इंग्लैंड से, रेखा मैत्र अशोक सिंह, उमेश तांबी, डॉक्टर कविता, डॉक्टर सुषमा वेदी, रमेश जोशी अमेरिका से, प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी, डॉक्टर रामा तक्षक नीदरलैंड से, डॉक्टर भावना कुंवर, क्षितिज रेखा राजवंशी ऑस्ट्रेलिया से, अनूप भार्गव न्यूजर्सी से, संजय अग्निहोत्री, डॉक्टर संध्या सिंह सिंगापुर से, श्रीमती जय वर्मा ब्रिटेन से, अर्चना पेन्यूली डेनमार्क से, धर्मपाल महेंद्र जैन कनाडा से, अनिल शर्मा, रमेश दवे, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, नासिरा शर्मा, वैभव सिंह और आत्मा राम शर्मा भारत से शामिल थे। इस अवसर पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का विमोचन भी किया गया, जिनमें अमेरिका के कवि उमेश तांबी का कविता संग्रह शब्दों की ओट में, प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक और विश्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति अमेरिका के संपादक श्री रमेश जोशी का व्यंग्य आलेख संग्रह लीला का लाइसेंस, न्यूयॉर्क के प्रख्यात प्रवासी साहित्यकार व लेखक अशोक सिंह का गजल संग्रह ख्वाब कोई बिखर गया, ऑस्ट्रेलिया की रेखा राजवंशी द्वारा संपादित व विश्व हिंदी साहित्य परिषद दिल्ली द्वारा प्रकाशित बूम रैंक 2 कविताएं ऑस्ट्रेलिया से, 6 शहरों के 40 कवियों की कविताओं का संकलन और मनोज कुमार द्वारा संपादित बा और बापू के 150 वर्ष पर केंद्रित समागम का विशेष अंक शामिल है। जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन होने से मध्य प्रदेश के रीवा निवासी अखिलेश पटेल सहित 2 जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। अखिलेश के शहीद होने की खबर पहुंचने के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, जहां पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रीवा निवासी अखिलेश पटेल सहित 2 जवान शहीद हो गए। रीवा के गोदरी 27 गांव के रहने वाले गनर अखिलेश पटेल LOC के पास ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान हिमस्खलन होने से अखिलेश पटेल समेत 2 जवान शहीद हो गए। अखिलेश के शहीद होने की खबर पहुंचने के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। शहीद जवान का पार्थिव देह उनके गांव पहुंचा, जहां पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अखिलेश 5 साल पहले आर्मी में भर्ती हुए थे। अखिलेश के 2 भाई और 2 बहन हैं। शहीद अखिलेश के बड़े भाई अरविंद पटेल भी आर्मी में हैदराबाद में पदस्थ हैं। अखिलेश के परिवार के अधिकांश लोग सेना से जुड़े हुए हैं। उनके बाबा सेना से रिटायर्ड हैं, चाचा भी सेना में थे। बड़े भाई अरविंद पटेल से प्रेरणा लेकर उन्होंने भारतीय सेना में जाने का फैसला किया था। शहीद अखिलेश पटेल के पिता रमेश पटेल ने बताया कि अखिलेश परिवार में सबसे छोटे थे। अगले वर्ष उनकी शादी की तैयारी करनी थी और वे उनके लिए लड़की ढूंढ रहे थे। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद संत हिरदाराम नगर में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। जगह जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। लोगों को सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट न डालने की समझाइश भी दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले में फैसला आने के बाद संत हिरदाराम नगर में प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया है।
सभी संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बैरागढ़ पुलिस ने सभी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत और शांति बनाए रखने की अपील की है। संतनगर में धारा 144 लगने से बाजार बंद रहा। यहां पुलिस चप्पे चप्पे पर नगर सुरक्षा समिति के साथ तैनात रही। अंदरूनी इलाकों में भी पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की गई और लोगों को समझाइश दी गई। पुलिस ने लोगों से किसी भी प्रकार के विवादित पोस्ट सोशल मीडिया में न डालने की अपील भी की। श्योपुर जनपद सीओ और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बीच हॉट टॉक के बाद सीओ द्वारा कांग्रेस नेता के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के मामले में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल चंबल रेंज के आजी से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच की मांग की है। पिछले दिनों श्योपुर के प्रभारी और पशुपालन मंत्री लाखन सिंह के भतीजे कांग्रेस नेता संजय सिंह ने श्योपुर के जनपद सीईओ से फोन पर बदतमीजी की थी। कांग्रेस नेता अधिकारी को धमकाते हुए सुनाई दिए थे। उसको लेकर सीईओ ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद कांग्रेसी मंत्री के भतीजे को बचाने के लिए लामबंद हो गए। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल चंबल आईजी डीपी गुप्ता से मिला और इस मामले की जांच की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि सीईओ ने पहले अभद्रता की, इसीलिए सीईओ पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय सिंह जी वो वहां मौजूद थे। उनकी उन्होंने समस्या सुनी और समस्या सुनने के बाद जनपद सीईओ से चर्चा की। जनपद सीईओ से चर्चा के दौरान आपने ऑडियो सुना होगा जिसमें स्पष्ट तौर पर यह दिख रहा था कि ये सीईओ कितना बदतमीजी है और जो उन्होंने उकसाने का कार्य किया। उन्होंने एक हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में सम्मानी भाषा होती है तुम और खराब बात होती है तू, तो ये सम्मानी भाषा थे तुम करके उनसे बात कर रहे, जिसको सीईओ ने पलटवार किया और उनको उकसाने का कार्य किया है। एक जनप्रतिनिधि अगर किसी जनता की बात को किसी अधिकारी से रखने का नहीं रख सकता तो वो जनप्रतिनिधि नहीं है। इधर आईजी का कहना है मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक पुलिस कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। मुकदमा कायम हुआ है जिसके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि जाँच कराई जाए। इसमें एक सरकारी कर्मचारी और कुछ जनप्रतिनिधि का नाम है। तो उस मुकदमे के संबंध में उन्होंने चाहा है कि मुकदमे में जांच कर किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करा ली जाए और यही हमने उनको आश्वस्त किया कि कोई ना कोई वो सीनियर ऑफिसर इसकी मामले की जाँच करेंगे और जाँच होने के बाद ही इसमें आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। आईजी चंबल द्वारा मामले की जांच किए जाने और आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने के बाद छिपे हुए आरोपी कांग्रेस नेता संजय सिंह यादव मीडिया के सामने आए। उनका कहना है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। मैंने 2-3-4 दिन पहले सीईओ जनपद को मैंने फोन किया और उनसे, चूंकि हमारे में उस समय हमारा 35 नंबर जो बंगला है उस बंगले पर मैं बैठा था, बहुत सारे लोग भी वहाँ उस समय थे, तो मैंने सीओ जनपद को फ़ोन किया और सीओ जनपद से मैंने कहा कि भैया ये हमारे यहाँ कुछ लोग आए हैं सिवपुर विजयपुर गांव के पंचायत के थे, तो मैंने कहा भैया इनकी मदद कर देना। कुछ चेक डैम का मामला था, कुछ मजदूरों की वेतन उनका जो पैसा नहीं मिला था उसका मामला था। तो बोला कि कौन बोल रहे हैं आप? मैंने कहा मैं संजय सिंह यादव हूँ, माननीय मंत्री लाखन सिंह जी का भतीजा हूँ। तो बोले यार, तो बोले तुम बोल कैसे रहे हो? तो मैं समझा नहीं। बोले नहीं, बोलने का क्या तरीका, तुम क्या होता है, अधिकारी से बात करने का तमीज़ नहीं है? तो मैंने भाई बताओ यार कैसे बात करना चाहिए मेरे को। तो तू करके बात करेगा मेरे से? तो इस तरीके से ऊंची आवाज में जब मुझसे बात की तो मुझे लगा निश्चित रूप से ये मेरे जैसे व्यक्ति की जमीर को हला रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, मेरे को उकसा रहा है। तो मेरा एक दो बात उनसे कही, भैया अगर ऐसा है तो जनता आने वाले समय में जूते लगाएगी। और निश्चित, बोले अच्छा तू जूते लगवाएगा? मैंने निश्चित में जूते तो लगेंगे भाई, जब तू ऐसा तेरा व्यवहार है, ये तेरा स्थिति है। तो बोले कि ठीक है, बोले तू जूते लगवा देना मेरे में। तो ये बात हुई थी। उस समय मेरे पास में करीब 50 लोग उस समय बंगले पर मौजूद थे, सारे लोगों के सामने की ये बात थी। जगदलपुर में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है, जिस कारण छत्तीसगढ़ के किसान खासे परेशान है। कांग्रेस का कहना है छत्तीसगढ़ का बस्तर धान्य धान्य से परिपूर्ण क्षेत्र है और इस क्षेत्र में किसानों को पूर्व में कांग्रेस सरकार ने समर्थन मूल्य 2500 रुपए में धान खरीदी की थी।
किंतु अब किसानों के साथ मोदी सरकार छलावा कर रही है। जगदलपुर में कांग्रेस ने केंद्र की किसान विरोधी नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसानों का समर्थन कांग्रेसियों को मिला। धान कटाई के इस मौसम में भी बड़ी संख्या में गांव-गांव से किसानों प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। प्रदर्शन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव भक्त चरण दास, सांसद दीपक बैज सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान उपस्थित थे। एक जोरदार खबर हरदा जिले के खिड़किया से है। दिवाली के बाद आदिवासी युवक युवती सज धज कर ठाठिया हाट बाजार आते हैं, अपना मनपसंद साथी ढूंढते हैं और दिल मिलने पर एक दूसरे को पान खिलाकर प्रपोज कर देते हैं। अगर युवती ने पान स्वीकार कर लिया तो समझो प्रस्ताव स्वीकार है, जिसके बाद युवक युवती भागकर शादी कर लेते हैं। हरदा जिले की खिड़किया तहसील के गाँव में आज भी एक अनोखी परंपरा जारी है, जिसमें आदिवासी युवक युवती सज धज कर आते हैं और अपना मनपसंद साथी ढूंढते हैं। आदिवासी दिवाली के बाद लगने वाले पहले हाट बाजार को ठाठिया हाट बाजार के रूप में मनाते हैं। इस ठाठिया में आने वाले नवयुगल अपने पसंद के साथी को तलाश करते हैं और पसंद आने पर व दिल मिलने पर मन की बात का इजहार करते समय पान हाथ में रखकर एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। यदि युवती युवक के हाथ से पान खाना स्वीकार कर लेती है तो समझो उसका प्रस्ताव स्वीकार हो गया। इस तरह नवयुगल हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाते हैं और हाट बाजार से भागकर शादी रचा लेते हैं, जहां युवक दिनेश और युवती पूजा ने एक दूजे को पान खिलाकर प्रपोज किया और दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया। यहां पर घूमा, जब तक घूमा फिर मेरे को पूजा देखा, मैंने उसको पसंद किया और वो भी मुझसे पसंद करते हैं। हम पहले दो साल से पसंद करते थे पर आज मिला हमको ठाठिया बाजार में बहुत, तो उसने मुझे पान खिलाया और मैंने उसको पान खिलाया, अब मैं उसको घर ले जा क्या पान वगैरह भी खिलाया? हाँ, पान खिलाया, दो साल से जान अब उसी के साथ रहोगे। बताया जाता है कि इस बाजार में छुपकर पान खिलाया जाता है, लेकिन यही पान प्रेम का इजहार होता है। बाद में युवती के घर संदेशा भेज दिया जाता है कि युवती की तलाश न की जाए, उसने अपनी पसंद के युवक के संग ब्याह रचा लिया है। उसके बाद समाज के बुजुर्गों की उपस्थिति में सामाजिक रीति रिवाज को पूरा कर रिश्ता स्वीकार कर लिया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।